बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ अब जल्द ही दुल्हन बनने वाली हैं। जी हां, बीती रात कटरीना सच धज कर अपने होने वाले मियां जी से मिलने पहुंची। राजस्थान में कपल शादी अंदाज में शादी करेंगे और अब इनके शादी से जुड़ा एक और लेटेस्ट अपडेट सामने आया है। जी हां, विक्की अपनी बारात के साथ एक ग्रैंड एंट्री करेंगे। वे घोड़े पर सवार होकर एंट्री करेंगे और दूल्हे की ग्रैंड एंट्री के लिए 7 सफेद घोड़ों को चुन लिया गया है, यानी कि विकी 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर शादी में एंट्री करेंगे। इसी के साथ ही कहा जा रहा है, इस शादी मंडप को खास तौर पर से दुल्हन के लिए डिजाइन किया गया है। राजस्थान में कपल की रॉयल वेडिंग होगी और वो भी चुनिंदा लोगों के बीच। जी हाँ, सवाई माधोपुर में डीएम राजेंद्र किशन ने विक्की कौशल और कटरीना कैफ की शादी के दौरान 4 दिनों के लिए कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिए हैं कि कपल की शादी में शामिल होने वाले मेहमानों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी चाहिए। राजस्थान में शादी की तैयारियां जोरों शोरों पर है। 7 से 9 दिसंबर तक चलने वाली इस शादी में कटरीना और विक्की के परिजनों के अलावा कुछ करीबी मेहमान भी शामिल होंगे। तो वहीं सूत्रों के मुताबिक कटरीना और विक्की की शादी में मेहंदी की थीम गोल्ड वेज आइवरी और व्हाइट होगी और संगीत की थीम ब्लिंग रखी गई है। संगीत सेरेमनी में दूल्हा दुल्हन के अलावा कई बॉलीवुड सेलेब्स भी अपनी परफॉर्मेंस देंगे। खबरें तो ये भी सुनने को मिली हैं कि नेहा कक्कड़ और रोहन प्रीत खास परफॉर्मेंस देंगे। इसी के साथ शादी फंक्शन की बात करें तो उसके लिए पेस्टल शॉबर्ट थीम रखी गई है। हालांकि इस बारे में विक्की कौशल और कटरीना कैफ ने अब तक कुछ नहीं कहा है। कटरीना और विक्की दोनों के परिवार वाले इन दिनों शादी की तैयारियों में काफी बिजी हैं, तो वहीं विक्की से ज्यादा कटरीना के घर में चहल पहल देखने को मिल रही है। विक्की कौशल पूरा ध्यान रख रहे हैं कि उनके ससुराल वालों को कोई परेशानी ना हो। इसके लिए विक्की कौशल ने अपनी सासू माँ को अपनी एक खास चीज तक दे दी है। जी हाँ, खबरों की माने तो विक्की ने अपनी सासू माँ को अपनी कार गिफ्ट देती है। शादी के लिए कटरीना का सारा परिवार मुंबई पहुंचा है, ऐसे में कोई परेशानी ना हो इसलिए विक्की ने अपनी कार दे दी और कटरीना का परिवार उस कार का पूरा इस्तेमाल भी कर रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर छाई तस्वीरों में देखकर फैंस ने ही कमेंट किए तो ये तो विक्की की कार है। दरअसल सोशल मीडिया पर छाई तस्वीरों को देखकर फैंस ने ही कमेंट किए, अरे ये तो विक्की की कार है। पहले विक्की कौशल अक्सर इस कार में नजर आया करते थे और इसी साल जुलाई में विक्की ने रेंज रोवर कार खरीदी थी, जिसके बाद से वो इसी कार का इस्तेमाल करते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो कपल 7 दिसंबर से पहले ही परिवार और दोस्तों के साथ राजस्थान का रुख करेंगे। इसके बाद वो हेलीकॉप्टर से वेडिंग वेन्यू जाएंगे। कटरीना और विक्की अपनी शादी को मीडिया की नजरों से छिपाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। शादी में मेहमानों को मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। गेस्ट विशेष कोड के जरिए ही शादी में शामिल हो पाएंगे। राजस्थान में शादी करने के बाद दोनों इंडस्ट्री में अपने दोस्तों के लिए एक रिसेप्शन रखेंगे जिसमें कि कई स्टार्स शामिल होंगे। विक्की कटरीना की शादी पर स्लैब्स भी कोई रिएक्शन देने से बच रहे हैं। हालांकि कॉमेडियन सुगंधा मिश्रा ने विक्की और कटरीना की शादी को लेकर एक वीडियो शेयर किया है जो काफी वायरल भी हुआ। सुनो, तुम विक्की कौशल और कटरीना कैफ की शादी में जाओगे? क्यों? बुलाया नहीं तो क्यों जाना? हाँ तो सही बात है, हमने कौन सा उनको अपनी शादी में बुलाया था। अरे अपने टाइम पे हाँ कोविड की वजह से अलाउड नहीं था, पर इन्होंने तो खुद ही अलाउड नहीं किया किसी को। रोज नहीं खबर आती है कि ये अलाउड नहीं हुआ, अलाउड नहीं। कल को नहीं खबर आई विक्की कौशल की शादी में खुद विक्की कौशल अलाउड नहीं।
नहीं लेकिन अच्छा है यार, अच्छा होगा ना, मजा आएगा उनको। यार शादी कितनी भी धूमधाम से कर लो, आगे सब होता वही है। क्या मतलब? नहीं मतलब क्या है? मतलब पतियों के ऊपर ऐसे ही बीती जाती है, कुछ होता वही का क्या मतलब है? नहीं एक मिनट आराम से क्लियर करके जाओ। नहीं नहीं एक सेकंड मैं बंद। आपको इनकी जोड़ी कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।